टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भिवंडी पुलिस ने गैरकानूनी तरीके से रह रहे 40 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के भिवंडी पुलिस को इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट मिली थी कि भिवंडी में 40 बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी बांग्लादेशियों के पास से फर्जी दस्तावेज, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, अहम दस्तावेज ऐसे और भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से 94,000 रुपये कीमत के 28 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में DCP योगेश चौहान ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। ये जो हमें इंटेलिजेंस से खबर मिली थी कि भाई भिवंडी और अपना आजू बाजू का जो एरिया है उसमें लगभग 50 के ऊपर के बांग्लादेशी यहाँ पे काम करते, ऐसी खबर मिली थी। वही हिसाब से हमने 4 अलग अलग टीम की और कल के दिन सुबह इसके ऊपर हमने वर्कआउट शुरू करके लगभग 40 लोगों को जो बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से बिना परवाना कुछ भी गलत डॉक्यूमेंट बना के यहाँ पे आए हुए थे, वो अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे थे भिवंडी और आउटस्कर्ट्स में, तो उन सभी को हमने उठाया तो उसमें से 40 लोगों को अरेस्ट किया है। और शांतिनगर में 20 जो है, शांतिनगर में 20 लोगों के खिलाफ गुनाह दाखिल हुआ है। CR नंबर 827/2021 परकीय नागरिक कायदा 1948 सेक्शन 13123 और परकीय नागरिक कायदा 1946 के 14 के तहत पासपोर्ट अधिनियम 1967/12 वैसे ही जो है परकीय नागरिक रिपोर्ट टू पुलिस आदेश 1971 कलम 2 के तहत ये सब जो है हमने सेक्शन लगा के गुनाह दाखिल किया है। शांतिनगर वैसा ही गुनाह नारपुली पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ है, उसमें भी लगभग 10 आरोपी अरेस्ट किए हैं। वो CR नंबर 742/21 यही सेक्शन उसमें सेम अप्लाई किया है हमने और जो है 10 आरोपी उसमें अरेस्ट है। आरोपी मतलब जो बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, जिससे जो जिनके पास फेक डॉक्यूमेंट थे ये थे, हमने वेरिफिकेशन करके। और तीसरा मामला भिवंडी शहर में दर्ज किया गया है, उसमें भी 10 बांग्लादेशी जो है नागरिक उनको ताबे में लिया है, अरेस्ट किया है। CR नंबर 456/21 के तहत वो जो मैंने सेक्शन बताया अभी उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज है। ऐसे टोटल कुल मिला के 40 बांग्लादेशी जो है अपने एरिया में रहते भिवंडी और जोन के अंदर में, उन सभी को हमने अरेस्ट कर लिया है, ताबे में लिया है और उनको जो है 2 दिन की PC मिली है।